hello there assalamu alaikum assalamu alaikum and masahlan wa jiyan ubak iraqli and a very good morning to all of you well Janab, this is me none other than chirpy and crispy live and loud hodi anariyo shamaale ke aapke saath aapka hamara saath rehta hai every monday to saturday So, 11 baje se lekar dopahar 1 baje tak and the show is called uh, talk of the town uh, so today is uh, wednesday और मार्च की आज पहली तारीख हो चुकी है और शबान की आज आठ तारीख है उम्मीद है कि आज के दिन का स्टार्ट अच्छे से हुआ होगा आज के दिन के हवाले से जो कुछ भी आपके दिलो दिमाग में चल रहा है सो उसके लिए यही कहूंगी कि अल्लाह करे कि सब अच्छे से हो जैसा आप सोचते हैं जैसा आप चाहते हैं आज के दिन के हवाले से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आ, आपकी पूरी हो आ, सो चूंकि प्रोग्राम का तो स्टार्ट हो चुका है आपके साथ मुलाकात भी हो रही है बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है चूंकि प्रोग्राम का स्टार्ट है तो स्टार्ट में जरा आपको पता ही होता है कि म्यूजिक का सिलसिला मैं कोशिश करती हूं कि आपके लिए ऐसा रखूं कि जिसमें अगर आप थोड़ा सा लेजी हैं डाउन है या थोड़ा सा यू you नो know, अपसेट है किसी भी चीज को लेकर परेशान है तो आपका जरा मूड अच्छा हो सके और आप You know, जरा बेहतर फील कर सकें सो uh, so एक चीज जो आज आते हुए मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा क्लिक हो रही थी और वो ये कि uh, हम लोग बहुत जल्दी किसी के लिए जजमेंटल हो जाते हैं किसी के लिए बहुत ही जल्दी से कोई ऐसे स्टेटमेंट पास कर देना कि अगला बंदा ऐसा है वैसा है या उसकी पर्सनालिटी के ऊपर कोई ऐसी बात कर देना कि जिससे हो सकता है कि अगर उसको कल कोई ये बात पता चले तो उसकी दिल आजारी हो सकती है राइट right? सो so, um, कोशिश हमें वैसे तो करनी चाहिए कि हम ऐसी कोई स्टेटमेंट पास ना करें कि जिससे किसी की दिल आजारी हो बट अगर uh, कभी हम किसी के बारे में कोई राय बनाते हैं uh, मेरा ख्याल है कि राय इंसान तब बनाता है जब एक बंदे को वो जानता होता है या उसको उस इंसान के बारे में पता होता है अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है आप किसी के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं और उस इंसान की पर्सनालिटी का जस्ट एक पहलू आप के सामने है सो तो आप किस तरह से उसके बारे में आ, अच्छा या बुरा कमेंट कर सकते हैं वैसे तो अच्छा कमेंट हम बहुत ही मुश्किल होता है करने के लिए आ, लेकिन बुरा कमेंट जो है ना वो फौरी तौर पर आता है आप इंस्टेंटली किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट जो है वो सोच लेते हैं बहुत ईजी होता है राइट right? सो so, मुझे आज इस बारे में जरा बात करनी है आप सब लोगों के साथ आगे चल के भी प्रोग्राम में बट अभी हमारे पास क्योंकि कमर्शियल ब्रेक है ब्रेक के बाद आपको डेफिनेटली करेंगे ज्वाइन वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरा एफ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो so, आप अभी कर सकते हैं क्योंकि आप भी डेफिनेटली चाहते होंगे कि कोई भी शो आपके फेवरेट स्लॉट का फेवरेट प्रेजेंटर का मिस ना हो सो so, अगर आप आ, प्रोग्राम कभी कभी मिस कर जाते हैं आ, मतलब दो घंटे में से आधा घंटा सुना या एक घंटा सुना आपसे मिस हो जाता है प्रोग्राम तो आप पूरा प्रोग्राम ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं ऑन यूट्यूब चैनल और uh, इसके साथ साथ फीडबैक की भी मैं मुंतजर रहूंगी आपकी आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे फीडबैक दे सकते हैं या फिर यूट्यूब पे बट uh, अभी के लिए ब्रेक ब्रेक के बाद करेंगे आपको इन सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन और वेलकम बैक वंस अगेर वेल आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करें तो Uh, कुछ uh, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है और स्पेशली कुछ अपडेट्स uh, के हवाले से बात करें तो प्रोग्राम uh, में आपको पता ही है कि ऑन एंड ऑफ मैं कुछ uh, आपके साथ ऐसी अपडेट्स uh, शेयर करती रहती हूं uh, जिसे आप कम से कम आज के दिन के हवाले से अपडेटेड रहें और आपका कोटा पूरा होता रहे सो बाय द वे पीआईए के बारे में आज बात होगी पीआईए की जो इंतजामी गफलत है उसको एड्रेस किया जाएगा आज के प्रोग्राम में और पाकिस्तानियों के हवाले से ट्रांसिट वीजा के बारे में एक बड़ी अपडेट है जिसके बारे में मैं बात करूंगी आप सब लोगों के साथ और हदीका कयानी जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतरीन सिंगर भी हैं मदर भी हैं एक्ट्रेस भी हैं लेकिन आ, बहुत खूबसूरत इंसान भी हैं उनसे बेसिकली मुझे पर्सनली मिलने का इतफाक भी हुआ है बट उनके कुछ आ, ऐसे आ, काम जिनके बारे में मुझे बात है और जब पाकिस्तान में सैलाब आया सैलाब से बहुत सारे लोग मुतासर हुए दुनिया भर से यू नो you know, लोगों ने आ, मदद के बारे में सोचा और दुनिया भर से एड्स आई बट हदीका कयानी ने पर्सनल कैपेसिटी में सैलाब मुतान के हवाले से बहुत काम किया है लेकिन एक ऐसा काम जो कि मेरा ख्याल है बात करने लायक है और आ, उसको हाईलाइट भी करना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का कुछ अच्छा फेल अच्छा एक्ट इसलिए भी बताना चाहिए कि क्या पता कोई इंसान उस चीज को सुन के मोटिवेट हो जाए और उसको आ, आ, ऐसी मोटिवेशन मिले कि वो उससे भी ज्यादा कुछ बेहतर करने के बारे में सोचे सो हदीका कयानी ने चूंकि सैलाब मुतासरी के लिए सौ घर तामीर किए हैं और वो माशाल्लाह से कामयाब हुई हैं इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये शो ऑफ है शोबाजी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं बेसिकली जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसको हाईलाइट इस वजह से भी करना चाहिए कि शायद किसी और के दिल में भी ये बात आए और वो भी कुछ अच्छा करने के बारे में सोचे और मसनू जहानत का जो दौर है मसनू जहानत के हवाले से बात करते हैं मसनू जहानत की मदद से तरबियती तयारे की आजमाइशी परवाज मुमकिन हो पाई है और आगे चल के डेफिनेटली इस पर डिटेल में बात करेंगे और वक्फे वक्फे से जो लोग पाका करते हैं मतलब इंटरमीडियन फास्टिंग के बारे में बात हो रही है सो so, वो लोग अमराज कल्ब और कैंसर जैसे खतरात से आ, बच नहीं सकते आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात करूंगी कि आ, उनके लिए कैंसर या जो दिल के मसायल हैं उनके खतरात कम हो जाते हैं बट एक्चुअली रिसर्च ये कह रही है कि उनके लिए कैंसर और दिल के जो मसाइल हैं वो आ, ज्यादा हो सकते हैं उनका इजाफा आ, हो सकता है सो so, इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे बट अभी के लिए लेकर चलूंगी आपको टूवर्ड्स एन अदर सॉन्ग और आ, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारी फरमाइशें रखी हुई हैं अपने दिमाग में सो so, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी फरमाइश को भी पूरा किया जाए और आ, कुछ आपके फीडबैक के हवाले से भी यू you नो know, प्रोग्राम में एक खास जो सेगमेंट है उसको मेक शोर sure किया जाए सो so, फिलहाल अभी के लिए लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स तो वर्ड्स शफी इसके बाद डेफिनेटली करेंगे आपको जो इन वेलकम बैक वेल आज चूंकि फर्स्ट ऑफ मार्च है हो सकता है बहुत सारे लोगों की बर्थडे हो या वेडिंग एनिवर्सरी हो सो so, बहुत बहुत आ, मुबारक हो आज का दिन और बाय द वे आज का दिन आ, सिविल डिफेंस डे के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें um, जाहिर सी बात है अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल डिफेंस मेयर्स इन प्रोटेक्टिंग पीपल एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एक्सीडेंट्स एंड यू नो अदर इमरजेंसीज और um, इस दिन को चूंकि um, बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है दुनिया भर में इस दिन की बहुत ज्यादा अहमियत है और वो लोग जो इस खास तौर पर डिपार्टमेंट के साथ सिविल डिफेंस के डिपार्टमेंट के साथ जुड़ते हैं सो उनके बारे में बात करना उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं उनको एक यू नो बड़े प्लेटफॉर्म्स पर लेकर आना ताकि उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो सके सो सिविल डिफेंस हुकाम के बारे में बात करें तो वो ये तस्लीम करते हैं कि इदारे में अभी बहुत सारी कमजोरियां हैं चूंकि ये एक इदारा जो कि अरसे से काम कर रहा है चाहे उन्नीस सौ पैंसठ की जंग हो या कोई भी मामला हो सो so, इस डिपार्टमेंट ने काम किया है बट सिविल डिफेंस हुकाम की तरफ से ये एक एक्नोलिजमेंट है कि अभी बहुत सारी कमजोरियां हैं जिनको के दूर करना है बट ये है कि सिविल डिफेंस के जो अहलकार और रजाकार है वो अवाम की खिदमत में लगे हुए हैं और हर लम्हा वो रेडी रहेंगे जब भी कभी उनकी जरूरत रहेगी So, um, ये तो कुछ आज के दिन के हवाले से हो गई बातचीत और पाकिस्तान सुपर लीग आठ के मरहले के बारे में बात करें तो um, आज से इसका चूंकि रावलपिंडी में आगाज हो रहा है और पिशावर सलमी और कराची किंग्स uh, की टीमें पहले मैच में मुकाबल होंगी जो दूसरा मरहला है उसकी बात हो रही है और राउथ इंडी क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट की मजमू तौर पर ग्यारह मैच खेले जाएंगे जो आ, कि बारह मार्च को अख्तितम पजीर होंगे जबकि मैच के लिए तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है और सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त कर दिए गए हैं अच्छा सिक्योरिटी की बात करें तो अभी मैं देख रही थी कि जो सिक्योरिटी के मामला है वो तो खैर बहुत ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की जा रही है लेकिन यहां पर एक और चीज देखने को मिल रही है वो ये कि पीएसएल के जो मैचेस हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए जो एहलकार तैनात हुए हैं सो so, वो अपनी ड्यूटी से गायब हो रहे हैं अच्छा मतलब ड्यूटी से गायब हो रहे हैं और फिर उनकी इंस्पेक्शन की गई है तभी ये चीज शायद सामने आई है लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है आ, तो फिर उनको जुर्माना देना चाहिए सो so, देखा जाए तो एस पी एन टी राइट ने ड्यूटी से काय पाए जाने वाले जितने भी अहलकार हैं उनको दस हजार रुपये का जुर्माना आ, देने के बारे में जो एहकाम है वो जारी कर दिए हैं सो वो वो अहलकार जो सिक्योरिटी की ड्यूटी पर मामूर हैं, सो अगर अपनी ड्यूटी आ, को बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तोहिर सी बात है उनको पेनल्टी देनी पड़ सकती है ओके, okay. सो so, इसके अलावा पी एस एल एट के टॉप बॉलर और बैटर के बारे में बात करें तो इसका एजाज अभी तक मुल्तान सुल्तान के पास है मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ी ही इस एजाज को अभी तक अपने पास होल्ड किए हुए हैं लेकिन लेट सी लाहौर कलंदस भी इस दफा बेहतर परफॉर्म कर रहा है और लाहौर कलंदस चूके टॉप पे है आठ पॉइंट्स के साथ और लेट सी के लाहौर कलंदज मुल्तान सुल्तान से ये चीज छीनने में कामयाब होता है या फिर ये पोजीशन बरकरार रखते हैं मुल्तान सुल्तान के ही बॉलर्स और बैटर्स सो लेट्स सी वक्त बता देगा कि क्या होता है आगे चल के सो कराची किंग्स के जो कैप्टन है वो टूर्नामेंट में अब कम बैक के लिए है और इमाद वसीम ने कहा है कि वो अब कम बैक करेंगे और अभी चार मैचेस जो के बाकी हैं बैटिंग और बोलिंग दोनों को बेहतर बनाने की जरूरत है जाहिर सी बात है लेट्स सी कि इमाद वसीम जो कि अपने आखिरी मैच के बाद जरा यू नो you know, टूर्नामेंट से बाहर हुए थे सो लेट्स सी के वो अब कम बैक करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है ये तो डेफिनेटली जब वो परफॉर्म करेंगे तो पता चल जाएगा एनी हाउ अभी के लिए लेकर चलूंगी आपको टू वर्ड्स एन अदर सॉन्ग सो फिलहाल ग्यारह बजकर अड़तीस मिनट ऑन द डायल अगर घड़ियां दुरुस्त नहीं है तो आप घड़ियां दुरुस्त कर सकते हैं और बाय द वे कल बारिश हुई आज भी हल्की फुल्की सुबह सवेरे बारिश हुई और बारिश की वजह से जरा लाहौर का मौसम प्लेजेंट है आम, हो सकता है दिल का मौसम आप कहता कोई खास प्लेजेंट ना हो जिसको लेकर आप आ, आ, सोच रहे हो कि यार मतलब बिल्कुल भी कोई अच्छा खास मूड नहीं है सो अगर मूड अच्छा नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका मूड बेहतर किया जाए और राइट right, फिलहाल एक जबरदस्त ट्रैक इस गाने के बाद आ, करेंगे आपको ज्वाइन फीडबैक के लिए आयुषा मलिक ऑफिशियल इट्स ए आई एस एच ए एम ए एल आई के ऑफिशियल मेक श्योर नाम के स्पेलिंग्स ए आई एस एच ए से लिखे आप राइट सो इसी नोट के साथ लेकर चलूंगी आपको टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग बात करेंगे आपको पी आई ए के बारे में हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी ही देर पहले सो पी आई ए के uh, हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो इंतजामी गफलत है उसकी वजह से दो हजार मिलियन से जायद वाजिबात की वसूली अभी तक uh, नाकाम रही है और इनफैक्ट अरबों के खसारे से दो चार पी आई ए की इंतजामी गफलत के बाय मुख्तलिफ इदारों से दो हजार मिलियन से ज्याद वजबात की जो रकम है वसूल करने में अभी तक कामयाबी नहीं मिली है और इस हवाले से देखा जाए तो आ, आ, इस चीज को आ, दूर करना और जो इंतजामिया के जो भी ड्रॉबैक्स हैं उनको आ, आ, खत्म करके एक बेहतर इंतजामी मामला को मेक श्योर करना बहुत ज्यादा इस वक्त की जरूरत है सो so, लेट्सी देखते हैं कि इस हवाले से मामला को आ, क्या आने वाले वक्त में डील किया जाएगा या फिर ये मामला ऐसे ही रहेंगे सो लेट्सी so, वक्त के साथ साथ चीजें और मजीद क्लियर हो जाएंगी सो so, पाकिस्तानियों के लिए ट्रांजिट वीजा के बारे में बात करें तो सऊदी हुकाम की वजाहत इस हवाले से सामने आई है वो ये कि सऊदी हुकाम ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक आने वाले अफराद के लिए ट्रांजिट वीजा के हवाले से हिदायत और वजाहत जारी कर दी है और ट्रांसिट वीजे की सहूलत के हवाले से एक शख्स ने चूंकि दरियाफ्त किया था कि क्या पाकिस्तान से आने वालों को ट्रांसिट वीजा मिल सकता है सो इस हवाले से यह कहा गया है कि जो आ, भी आ, आ, बंदा जो यू नो आ, वीजा ट्रांजिट वीजा बेसिकली दिया जाता है जो मुमलिकत से होते हुए किसी दूसरे मुल्क जाते हैं मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं सो कुछ एक वक्त का आ, स्टे होता है आ, वो आप एयरपोर्ट पे भी स्टे कर सकते हैं या अगर आप यू नो बाहर घूम फिरना चाहते हैं तो वो भी आप आ, को अलाउ कर दिया जाता है सो so, अगर पाकिस्तान से यूरोप या किसी और मुल्क का वीजा लगाया है और वहां जाने से कबल सऊदी एयर की फ्लाइट से आ, कनेक्टिंग uh, टिकट uh, खरीदा है सो so, इस सूरत में चार दिन के लिए ट्रांसट वीजा जारी किया जाता है जिसकी एंट्री uh, जो है वो सऊदी अरब के किसी भी बैन अलावा एयरपोर्ट पर मुतयन इमिग्रेशन अहलकार करते हैं सो so, uh, इस हवाले से अगर बात की जाए तो इसकी कोई फीस नहीं तहम इस वीजे की दो बुनियादी शरात हैं वल ये कि मुसाफिर की मंजिल कोई दूसरा मुल्क हो और रास्ते में वो सऊदी अरब मुख्तर क्या करना चाहता है तो इस सरत में उसे ट्रांजिट वीजा जारी किया जाएगा और दूसरी अहम शर्त यह है कि ट्रांजिट वीजा जो है वह सिर्फ सऊदिया या नास एयरलाइन के मुसाफिरों को ही जारी किया जाता है किसी और एयरलाइन से सफर करने वालों को ये सहूलत फराहम नहीं की जाती ओके मतलब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि अब वो लोग जो ट्रांजिट वीजा के बारे में बात जानना चाह रहे थे तो उसकी कुछ दो बुनियादी शराय हैं एक तो ये कि वो सऊदी एयरलाइन या फिर नास एयरलाइन के थ्रू ट्रैवल कर रहा है तो उसको ट्रांजिट वीजा मिलेगा और उसको आ, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाहिर सी बात है जब वो जाएगा तो इस सूरत में उसको ट्रांजिट वीजा के लिए आ, वक्त जो है वो मिल जाएगा कि वो सऊदी अरब स्टे कर सके ओके सो चले ये तो कुछ काम की बात हो गई बाहर हाल अभी के लिए लेकर चलूंगी आपको टू वर्ड्स एन अदर सॉन्ग इसके आने के बाद हमारे पास आ, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए डेफिनेटली सो so, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और इस गाने के साथ ही प्रोग्राम के सेकंड हाफ में मैं आपको करूंगी ज्वाइन सो so, अगर आप आ, कुछ कहना चाहते हैं यू आर मोर देन वेलकम और वेलकम बैक वंस अगेन आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह ग्यारह बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक और जैसा कि आपको पता है कि तुर्की और शाम में जो जलजिला आया उसकी वजह से बहुत सारे लोग हलाक हुए बहुत ज्यादा तबाही हुई इनफैक्ट निज़ाम जिंदगी जो है वो दरहम बरहम होके रह गया और जब जलजिला आया था तुर्की और शाम में तब ये चीज कही जा रही थी कि इसी शदत का जलजिला आने वाले पंद्रह दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान में भी आए और खैर जलजला आया पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में लेकिन बहुत ज्यादा शदत का नहीं था और अब एक ऐसा इदारा जो यू नो मॉनिटर करता है ज्योमेट्री बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज रिलेटेड टू एक्टिविटीज उन्होंने ये क्लेम किया है कि आने वाले एक दो रोज की बात हो रही है आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत ज्यादा शिद्दत का जल्जलाए हो सकता है सेवन पॉइंट टू मैगनीट्यूड का जलजिला so, हम सब पर अपना रहम करे और इस तरह के जो आ, मैं समझती हूँ कि दुनिया भर में वाकियात होते हैं या जो नेचुरल क्लैमिटी होती है सो so, उसमें आ, हर बंदा चाहता है कि ऐसे इंसिडेंट्स ना ही हों तो बेहतर है क्योंकि जब इस तरह का कुछ वाक रुनमा होता है तो बहुत सारे लोग यू you नो know, बहुत ज्यादा परेशानी उठाते हैं जैसे तुर्की और शाम की मिसाल हमारे सामने है और पाकिस्तान में भी जब जलसला आया था आपको शायद पता ही हो 2005 की बात हो रही है सो जब जलसला आया था तो आ, बहुत तबाही हुई थी So, अगर ये जस्ट प्रोडिक्शन है मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने ये दावा कर दिया कि ऐसा हो जाएगा बट अगर प्रोडिक्शन है क्योंकि ये जब शाम और इस तुर्की और शाम में जब जलजिला आया था तब भी ये प्रोडिक्ट किया जा रहा था और जलजिला आया चाहे कम मैग्नीट्यूड का, का जलसला था बट जलसला आया और उसकी वजह से लोग थोड़े से परेशान हुए सो so, अगर अब ये प्रोडिक्ट किया जा रहा है कि 7.2 का मैग्नीट्यूड हो सकता है कि आने वाले दिनों में आ, तीन चार या पांच की जो तारीखें हैं वो थोड़ी सी क्रिटिकल हैं तो हो सकता है कि जलसला आए सो so, आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज बहुत सारी दुआएं करें अल्लाह ताला ऐसी आफत से सबको बचाए सबको महफूज रखे चाहे दुनिया के किसी भी कोने में प्रोडिक्शन की गई हो इस तरह आ, आ, लोग यू नो बातें करते हैं लेकिन यहां पर यू you नो know, दिल परेशान होता है कि वो लोग जो इफेक्ट हो चुके हैं उनको देखा है सब ने बहुत यू you नो know, वाजिया तौर तो पर ये चीज देखी है कि किस तरह से उनकी जो जिंदगी है वो डिस्टर्ब हुई है सो so, मैं ये चाहूंगी कि प्लीज आप सब लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसी मुसीबत से आ, पूरी दुनिया को महफूज रखे हाइट सो right, so, इसी नोट के साथ अभी लेकर चलूंगी आपको टू वर्ड्स एंड अद म्यूजिकल ब्रेक कभी कभी यू you नो know, इस तरह के मामला पर बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे लगता है कि जिंदगी में नो no डाउट बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। आप इस चीज को डिनाय नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी तरह का मामला क्यों ना हो जाए So, आपको अपने यू नो क्लियर रखना पड़ता है हर तरह के सिचुएशन से कि नहीं इट्स इट्स ऑल ऑल गुड गुड या अपने आप को मेंटली तौर पे इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि आप बात करते हुए यू you नो know, कुछ आपको फर्क ना पड़े लेकिन फर्क पड़ता है ये तो ऐसा मामला है कि जिसपे पूरी दुनिया के लोग शायद आ, ये फील करें कि नहीं यार ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए जैसे कोविड का टाइम था तो कोविड के टाइम पे पूरी दुनिया इस चीज को विटनेस कर रही थी कि लोग बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रहे हैं उनके लिए यू नो जॉब का खत्म होना बाहर निकलना उनके प्यारों का इस दुनिया से चले जाना जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन सो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सफर किया है और अब शायद लोगों में हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह की कोई भी जो नेचुरल क्लैमिटी है उसको फेस कर सके या इस पर बात कर सकें मेरे में तो खैर कम अज कम इतनी, इतनी हिम्मत नहीं है लेकिन अल्लाह ताला क्या नहीं कर सकते सब कुछ उसके हाथ में है और दुआ है कि आने वाला वक्त हम सबके लिए बेहतर हो पूरी दुनिया के लिए बेहतर हो और सो अभी म्यूजिकल ब्रेक इसके बाद कमर्शल uh, ब्रेक भी डेफिनेटली होगी फिर आपको कहते हैं जो इन रहिए टॉक ऑफ द टाउन वो कौन थी तमाम शहर उसके हुस्न में गुम था और <laughs> right, कभी कभी गानों के जो लिरिक्स होते हैं ना वो भी बहुत फनी होते हैं खैर आजकल आज के तो गानों की क्या ही बात है मतलब आजकल एक गाने के जो आजकल बहुत ज्यादा सुना जा रहा है जो ऑलमोस्ट आप रोज मेरे प्रोग्राम में सुनते हैं पता नहीं मेरे ही प्रोग्राम में सुनते हैं या ओवरऑल पूरी ट्रांसमिशन में आपको वो गाना सुनने को मिलता है सो so, वो गाना काफी आ, अच्छा लिखा हुआ भी है और गाया भी बहुत बेहतरीन है सो so, पर्सनली कुछ गाने मुझे बहुत यू नो you know, पसंद आते हैं आ, जब वो अच्छे लिखे होते हैं उनका मीनिंग आ, अच्छा होता है सो so, कुछ गाने जो मीनिंगफुल होते हैं वो मेरा ख्याल है कि लोगों को देर तक याद रहते हैं और देर तक लोग उस गाने के साथ टिके रहते हैं सो so, आजकल जो गाने आ रहे हैं वो बस आ, गाना आया है कुछ देर चला है और फिर गाना कहाँ गया पता नहीं चलता सो so, जैसे अभी आ, आप सुन रहे थे जुनेद जमशेद का सॉन्ग तो जुनेद जमशेद के बहुत सारे गाने जो बहुत सारे लोगों ने सुने होंगे सो so, वो इस चीज को जरूर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नाइन्टीज के जो गाने थे पाकिस्तान के वो आज भी लोग बहुत क्रेज के साथ सुनते हैं और लोग बहुत ज्यादा यू नो समझते हैं कि नाइन्टीज का जो एरा था वो पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खास आ, था और लोगों ने बहुत बहुत बेहतरीन काम किया ट्रस्ट मी और उनमें से कुछ सिंगर्स ऐसे थे कि जिन्होंने कमाल के गाने गाए कमाल का यू नो लोगों को म्यूजिक दिया और लोग आज भी उस म्यूजिक को सुनते हैं अच्छा अभी कुछ गानों का सिलसिला तो साथ साथ ही रहेगा बट बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो इंटरमीटेंट फास्टिंग करते हैं और ये इंटरमीटेंट फास्टिंग जो है वो बहुत सारे लोग शायद उनके लिए काम कर रहा हो ये फॉर्मेट जो है एक या जो एक तरीका है डाइट को कंट्रोल करने का लेकिन आ, जरूरी नहीं अच्छा मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे कभी भी इंटरमीड फास्टिंग सूट नहीं किया मैं हमेशा जब मैं कभी डाइट नहीं करती आ, मुझे अगर थोड़ा अपने वेट को ऊपर नीचे करना होता है तो मैं खाना प्रॉपर खाती हूं बट ये है कि खाने का पोर्शन कम कर लेती हूं अगर मैं एक रोटी खाती थी, थी तो उसको आधा कर लिया और अगर दिन में दो दफा रोटी खाती थी, थी तो एक टाइम कर लिया जस्ट यू you नो know, अपने पोर्शन को कम कर लेना और खाना आपका जो है वो वैसे वैसा रहे जो आप खाते हैं बस ये है कि अगर आप चावल बिल्कुल माइनस कर दें और चीनी माइनस कर दें तो जरा जल्दी फर्क पड़ता पड़ता है और अगर आप समझते हैं कि रोटी भी छोड़नी है भाई रोटी खा सकते हैं मतलब मैं कभी भी रोटी नहीं छोड़ती लेकिन ये है कि आ, मैं आ, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उनका इस्तेमाल नहीं करती मैं बिल्कुल फीके पे आ जाती हूँ और रोटी जो है वो उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर देती हूँ चावल बिल्कुल माइनस कर देती हूँ वैसे भी आई एम नॉट अ फैन ऑफ चावल बहुत बहुत अरसे से मैं चावल बहुत आ, पहले मैं बहुत शौक से खाती थी लेकिन अब शायद वक्त के साथ साथ ही जब आप आ, में आ, कुछ आ, हेल्थ को लेके चेंजेस आते हैं तो आप सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी पे होता है आपकी सेहत होती है और आप अपनी सेहत के लिए जो चीज मज़र है आप उसको छोड़ देते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सो so, मैं चाहूंगी कि अगर आप डाइट करना चाहते हैं तो आप कोई भी फॉर्मेट आप लें जैसे वो लोग जो कीटो डाइट करते हैं कीटो डाइट करने वालों के लिए ये बहुत बड़ी कम्प्लेन है कि उनके उनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है सो so, हेयर फॉल की वजह वो ठीक है मतलब स्लिम ट्रिम हो जाते हैं आपको नजर आता है कि वो बहुत जल्दी आ, वेट रिड्यूस कर लेते हैं लेकिन उस जल्दी की आड़ में वो अपने बालों का सत्यानाश कर लेते हैं सो so, इसी तरह इंटरमीडियंट फास्टिंग की बात करें सो so, बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं होता कि जब आप बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं जो एक हमारे मजहब में फास्टिंग का एक आ, रूल है या जो एक तरीका बता दिया गया है सो अगर उसको हम फॉलो करें तो मेरा ख्याल है कि हम आ, काफी हद तक अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं आ, लेकिन अगर आप जस्ट इंटरमीटेंट फास्टिंग पे रहते हैं और जो आपको एक खाने की ब्रैकेट मिलती है जो एक टाइम मिलता है उसी में जस्ट खाना खाते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और इस हवाले से एक रिसेंटली जो रिसर्च हुई है उसमें ये कहा गया है कि वो लोग जो इंटरमीटेंट फास्टिंग करते हैं या कह सकते हैं वक्फे वक्फे से खाते हैं आ, फाका करते हैं सो uh, so उनमें अमराज कल्ब और कैंसर का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है हम चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे हम अच्छी सेहत के लिए जो भी एफर्ट्स लगाते हैं उनको मेक श्योर sure करने की कोशिश करते हैं हमारा इम्यूनिटी किस तरह से सिस्टम जो है वो बेहतर हो सकता है इम्यूनिटी को किस तरह से हम आ, अच्छा कर सकते हैं कौन सी ऐसी गजाएं हैं जो खा सकते हैं सो सिंपल बात अगर की जाए ना तो वो ये कि जो मौसम की सब्जियां फल होते हैं उनको अगर आप खाएं तो आप बीमार नहीं होते लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है कि अगर मौसम का फल जैसे आम है तो आम बहुत ज्यादा खाएंगे तो आपको शुगर का मसला हो सकता है आपका वेट बढ़ सकता है आपको एक्नी हो सकती है जो मौसम का फल है वो खाएं, लेकिन एक यू नो छोटे से पोर्शन के साथ बट वो लोग जो आ, बस उनके सामने चीज आ जाती है तो उनको लगता है कि बस ये खाना ही है आप सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में कल भी मैंने बात की थी कुछ लोग सिर्फ इस दुनिया में आते ही खाने के लिए हैं और कुछ लोग समझते हैं कि यार थोड़ा खा लें और ये वैसे भी बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं कि यार आप अगर कम खाते हैं ना तो बीमारियों से दूर रहते हैं अच्छा कल वनीजा अहमद का एक मैं क्लिप देख रही थी एक इंटरव्यू का क्लिप था और उसमें भी उन्होंने ये चीज कोर की कि जिंदगी में कम खाना जो है वो आपकी अच्छी सेहत को मेक uh, श्योर sure करता है आप अच्छी सेहत uh, को तभी यकीनी बना सकते हैं जब आप कम खाते हैं और कम खाने का मतलब यह है कि आप अगर uh, दिन में तीन चार पांच दफा भी खाते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा खाएं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके खाएं और उससे आपको ट्रस्ट में बहुत फायदा होगा आपको खुद वाजिया तौर पर फील होगा आप अपना आप हल्का फील कर रहे हैं और जब बहुत ज्यादा भूख को कंट्रोल करना हो आप पानी पी लें आजकल तो वैसे आ, खीरे बहुत ज्यादा इन हैं तो आप एक डिटॉक्स वाटर है जो मैं वैसे नहार मुंह पीती हूं बहुत सारे लोग लोगार एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं लेमन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन एक डिटॉक्स वाटर है जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ वो ये कि खीरा लेके उसको आप उसका जूस निकालें और उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं आप अगर आप चाहें तो जस्ट मैं ना नमक डालती हूं ना मैं कुछ और डालती हूँ जस्ट इसको मैंने हार मुंह पीती हूँ ये बहुत ही फायदेमंद चीज है अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं कि मैं वेट पब्लिक कंसर्न हूं लेकिन अगर आप भी वेट करना चाहते हैं अपना कम तो आप इस डिटॉक्स वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इसमें थोड़ा सा जिंजर ऐड कर लें तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी ट्रस्ट मी सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको अगर हम मेक श्योर कर लें तो हम अपनी लाइफ को ट्रस्ट में बहुत हेल्दी रख सकते हैं सो so, उम्मीद है आपको ये मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड करने में दिक्कत नहीं हुई होगी सो so, फिलहाल एक जबरदस्त ट्रैक मैं चाह रही थी अभी मैं नाजिया हसन को प्ले करें करूँ क्योंकि अभी नाइनटीज केरा की बात हुई थी तो एक जबरदस्त ट्रैक मेरे पास क्यू में था बट अभी कमर्शियल ब्रेक भी आ, लाइन अप है तो चले गाना सुन लेते हैं इसके बाद ब्रेक ब्रेक के बाद करेंगे आपको जो इन सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन वेलकम right, कर, बैक आ करिए प्यार दिया गल्ला और बिल्कुल आ, प्यार की बातें करनी चाहिए इंसान को आजकल देखें तो बहुत आ, लोग आ, नफरत की बात कर देते हैं जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में ही मैंने बोला था कि कुछ लोग यू नो लोगों पर नेगेटिव कमेंट्स करते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराते और आ, किसी को हम जानते भी नहीं होते और उसको ऐसी ऐसी बात कह देते हैं कि जिसपे हमें कोई शर्मिंदगी का एहसास भी नहीं होता लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि प्यार की बातें करें दिल आ, की बात हो लोगों की दिल आजारी ना हो कम अज कम जिससे किसी के चेहरे पर स्माइल आ सके किसी को अच्छा एहसास मिल सके लोग यू नो you know, आप आ, को देख के ना एक प्यारी सी स्माइल दे सके कि आपसे उनकी जो वाइब है वो कनेक्ट हो सके क्योंकि आपके सबके साथ वाइब कनेक्ट नहीं हो पाती आप आ, को पता चल जाता है कि ये बंदा आप आ, के साथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा सो कुछ लोग आ, ही होते हैं जो आप आ, की समझ में आते हैं या आप आ, उनके साथ बात करना आ, पसंद करते हैं या मे बी आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती है बट एट दी एंड बात यही है कि जब आप किसी के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं यू uh, नो you know, अपना दिल क्लियर करके बात करते हैं तो लोगों को वो चीज फील हो जाती है अगर कोई उस चीज का नाजायज फायदा भी उठाता है तो क्या फर्क पड़ता है वही बात कि आप, आप अपने आप को क्लियर रखें अपना आप सेट uh, रखें बाकी सब खैर है So, <laughs> इसी चीज के साथ अभी जरा कुछ अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर कर लें मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि पहली को जनाब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा लेकिन हुकूमत ने कमी का ऐलान किया है चलें लेट्स सी <laughs> लोगों का क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू आता है सो so, uh, इसहाक डार ने ये चीज शेयर करते हुए कहा है कि डीजल की कीमत बरकरार रहेगी जबकि मट्टी का तेल जो है उसकी कीमत में पंद्रह रुपए की कमी की गई है और लाइट डीजल की कीमत में बारह रुपए की कमी की गई है और अगर हालिया जो कीमत है उसकी अगर बात करते हैं तो फी लीटर पेट्रोल की कीमत 267 सिक्सटी और लाईट डीजल की कीमत 184 एटी सिक्सटी uh, पैसे और मट्टी के तेल की कीमत पंद्रह uh, रुपये कमी से वन एटी uh, तक पहुंच चुकी है और इस तरह डीजल की कीमत दो सौ तक बरकरार है uh, वैसे इस तरह की जब खबरें आती हैं तो यकीन नहीं आता क्योंकि अगर uh, पंद्रह दिन के लिए आप दस पंद्रह रुपए कम भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है अवाम शायद यूज हो चुकी है वही बात फरहान सईद ने कहा था कि ये अवाम जो है वो अब इतनी ज्यादा uh, यूज टू हो चुकी है ऐसी सिचुएशंस को लेके कि उसे लगता है कि पांच सौ का भी पेट्रोल हो जाएगा तो वो हम डलवा लेंगे लेकिन ये वैसे सरासर ज्यादती की बात है कि पांच सौ का पेट्रोल हो जाए हम क्यों डलवाएं भाई जाहिर सी बात है दुनिया भर में जब बात करते हैं तो आ, लोगों को आसानी फराहम करने के लिए मामला को श्योर किया जाता है जहां तक यू you नो know, अवाम की सहूलत हो अवाम की आसानी हो उसके लिए कोशिश की जाती है पाकिस्तान so, में क्यों नहीं हो सकता चाहे कोई भी गवर्नमेंट में किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करी बट कोई भी गवर्नमेंट आती है सो uh, so, वो चाहती है कि उसका फायदा पहले हो हम हाँ का बाद में हो लेकिन पता नहीं यार ये मामला कब बेहतर होंगे बेहतर की तरफ कब आएंगे बट ये है कि uh, हम शायद अपने आप को कोशिश करते हैं कि जरा अच्छे तरीके से uh, लेकर चलें कोई भी सिचुएशन हो उसमें हम अपने आप को यू नो डिप्रेस्ड ना ही करें क्योंकि डिप्रेस्ड होंगे तो हमारा ही प्रॉब्लम है और हमारे लिए ही प्रॉब्लम है तो बेहतर है ना कि हम अपने आप को जरा अच्छा रखें बेहतर रखें खैर अभी एक और ट्रैक इसके बाद ब्रेक ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन Oh yes, well, फर्स्ट ऑफ मार्च है तो आज का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मुल्की तारीख की पहली डिजिटल मरदम शुमारी का आगाज आज से हो रहा है बाय जब मैं घर से निकल रही थी तो uh, कुछ यू uh, नो you know, लोग uh, मर्दम शुमारी के लिए आए हुए थे और प्रॉपर यू नो उनका ड्रेस कोड था और हाथ में टैबलेट पकड़ा हुआ था सो चुके ये पहली दफा हो रहा है कि डिजिटली शुमारी की जा रही है और उम्मीद है कि ये एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा और जो भी इंदराज के मामला हैं वो बेहतर तरीके से होंगे चूंकि आपको पता है कि इस बारे में मैं ऑन एंड ऑफ बात करती आई हूं सो डेफिनेटली लोग भी आ, इस मामले में कॉपरेट करेंगे कि अगर आपके दरवाजे पर यू नो you know, वो लोग आते हैं जो प्रॉपर तरीके से आपसे अगर आपका डेटा पूछ रहे हैं सो so प्लीज उनके साथ कॉपरेट करें समटाइम्स होता है ना कि लोग घबरा जाते हैं परेशान हो जाते हैं तो वो कुछ ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाते राइट सो right? so, आज चूंकि शुमारी का पहला दिन है तो उम्मीद है कि आ, आ, हर तरह से ये जो डिजिटल शुमारी है इसको कामयाब बनाया जाएगा ओके okay, सो so, अब चूंकि जाने का वक्त भी ऑलमोस्ट हो चुका है तो मैं यही चाहूंगी कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और स्पेशली uh, अपनी सेहत का खास तौर पे ख्याल रखें क्योंकि आपकी सेहत जब अच्छी होगी तो आप दूसरों का भी ख्याल रख, रख सकेंगे सो so, इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह ग्यारह बजे Till then uh, take care Allah Hafiz Allah Nigiban and Khuda pamān This is 107.4